बिग जॉन ट्री टायर। बड़े बड़े पेड़ों को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो कई बार उन पेड़ों को और उनकी डालियों को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन यह मशीन उस परेशानी को दूर कर देती है। इस मशीन का आविष्कार इसलिए किया गया है कि यह मशीन पेड़ों की डालियों को अपने क्लैंप से पकड़ती है, फिर उस मशीन में लगा एक अलग रस्सी का रोलर उस पेड़ की सारी डालियों को सिकुड़ कर बांध देता है, जिससे उन पेड़ों को कहीं भी ले जाते वक्त पेड़ों की डालियां टूटने से बच जाती है और पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे लगाया जा सकता है। सैंड मास्टर मशीन। किसी भी जगह या कभी भी जब सीमेंट या रेत किसी दूसरी जगह ले जानी होती है या जब भी कभी रेत या सीमेंट को बैग्स में भरना हो तो इस काम में इंसानों को काफी वक्त लग जाता है, लेकिन यह मशीन वही काम बहुत जल्दी कर लेती है। ये मशीन लगभग किसी भी कंस्ट्रक्शन व्हीकल के सामने लग सकती है और एक टाइम पे कई सारे बैग्स को भर देती है और पैक भी कर सकती है। इस मशीन के आगे उन बैग्स को सही से लगा दिया जाता है, उसके बाद ये मशीन्स एक ही साथ में उनको भरना शुरू कर देती है और उसके बाद उन बैग्स को बंद भी कर देती है ना, सच में कमाल की चीज। क्विक ट्रिम मशीन। पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है, लेकिन यार पेड़ जब किसी वजह से तकलीफ देने लगे तो उन्हें काटने के बजाय हम उनकी डालियों को काट सकते हैं। जैसे कि किसी इलेक्ट्रिक पोल के साथ कोई पेड़ हो जिसकी डालियां बड़ी हो जाती है तो उस पोल को लगने लगती है, जिससे इंसानों और उस पेड़ को भी जलने का खतरा रहता है। ऐसे वक्त में उन पेड़ों की डालियों को काटना जरूरी होता है, लेकिन इंसानों को बड़े पेड़ों पर चढ़ के उनकी डालियों को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है और काफी खतरनाक भी होता है, लेकिन ये मशीन वही काम बड़ी आसानी से कर लेती है। इस मशीन को एक क्रेन की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा सा ब्लेड लगा हुआ होता है जो घूमता रहता है, जो उन डालियों को ऊंचाई पर बिना किसी नुकसान से काट देता है, जिससे कि इंसान की जान को भी कोई खतरा नहीं होता और पेड़ भी नहीं काटने पड़ते, है ना सच में कमाल की चीज। दोस्तों अगला आता है ET110 एक्सकैवेटर। अभी जो मशीन आप देख रहे हैं वो अपने आप में ही एक अलग मशीन है। ये मशीन दिखने में भले ही आम मशीन लगे, लेकिन ऐसी चीज आपने शायद कहीं देखी नहीं होगी। इस मशीन को पूरी तरह से रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और इस मशीन का सस्पेंशन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जिससे ये कहीं भी चल सकती है। यहाँ तक कि ये मशीन अपने चारों टायर्स हवा में रखकर भी काम कर सकती है, जिससे ये काम करते वक्त ज्यादा हिलती डुलती नहीं। इसके टायर्स भी जगह के हिसाब से चौड़े हो सकते हैं और ये मशीन अपना काम बहुत आसान कर लेती है। और दोस्तों अब आखिरी आती है सील मेकर। ये मशीन बाकी मशीन से थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन ये मशीन अपना काम बहुत सटीक तरीके से करती है। आपने कई सारे डब्बों और बॉटल्स पर सील देखी होंगी जो कंपनी पहले से ही लगाती है। ये कंपनी वही सील्स बनाने का काम करती है। इस मशीन में सबसे पहले एक प्लास्टिक का रोल लगाया जाता है, जिसके मशीन में जाने के बाद ये मशीन उसे एक सील कैप बना लेती है जो काफी तेज और सटीक होते हैं। इसके ऊपर एक लेजर शार्प ब्लेड लगा हुआ होता है जो बहुत तेजी से उस रोल को काट कर उसकी सील बना देती है। आप जो भी सील किसी डब्बे या बोतल पर देखते हैं वो इसी तरह की मशीन से बनाई जाती है। तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे कमाल की मशीन कौन सी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।